हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से असिस्टेंट वर्क्स जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इसी से रिलेटेड डिटेल्स जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। असिस्टेंट वर्क्स का जो है रिक्रूटमेंट RRC एग्जामिनेशन के थ्रू की जाती है, और जब आपकी सिलेक्शन हुआ होगा तो किसी न किसी कंसर्न डिवीज़न में आपको जॉब लगा होगा। तो कंसर्न डिवीज़न आप जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो है SSC वर्क्स के ऑफिस होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स। तो उनके ऑफिस में जो है, किसी न किसी कंसर्न ऑफिस में जो है, आपको बताया जाएगा कि आप उस इंचार्ज के पास जाइए और वहाँ पे जाएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे। SSC वर्क्स के अंदर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो SSC वर्क्स के अंदर जो है कार्य जो रहता है, वो जनरली आजकल में जो है काफ़ी कम ही कार्य जो होता है असिस्टेंट वर्क्स वगैरह करना रहता है, ताकि सारे वर्क्स जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू की जाती है। तो सिर्फ जो प्रोटेक्शन किया जाता है, सुरक्षा किया जाता है, वही वर्क्स वगैरह के लिए आपको भेजा जाएगा। जैसे इस तरीके का कार्य रहता है वर्क्स डिपार्टमेंट रेलवे का करता है, जैसे कहीं पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना हो, या आप देखते होंगे फुट ओवर ब्रिज वगैरह जो बनाए जाते हैं स्टेशन वगैरह पे। इसके अलावा जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, या बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, या रेलवे का क्वार्टर वगैरह जो बनाए जाते हैं, इस तरीके का वर्क्स जो है, जो SSC वर्क्स होते हैं उनका कार्य रहता है। तो उसी वर्क्स में जो है आपको भी भेजा जाएगा, कहीं कहीं बोला जाएगा साइट पर देख के आओ। इस तरीके का जो है आपके इंचार्ज सुबह को जो है आपको बताएगा, उस तरीके से आपको कंसर्न साइट पर जाना है। अगर नहीं बताया तो आपको ऑफिस में ही रहना पड़ता है। तो सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी कम कार्य रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली जैसे फुट ओवर ब्रिज बनाना है तो वो क्या है, सारे तो कॉन्ट्रेक्टर के जो है स्टाफ करते हैं। तो ज़्यादातर जो आपका कार्य रहेगा, एक्चुअली कभी कभी आपको बोल दिया जाएगा कि उसे स्टेशन पर देख के आओ, क्या चीज़ का कमी वगैरह है क्वार्टर वगैरह में, वो भी बोल सकता है। जैसे माने किसी क्वार्टर वगैरह गेट टूटे हुए हैं, या उनको रात में कहीं फ़ोन किया कोई कंसर्न क्वार्टर के एम्प्लॉय कि एक्चुअली मेरे क्वार्टर में जो है इस चीज़ का कमी है या गेट टूटा हुआ है, तो उस तरीके का तो आपको भेजा जाएगा कि उसको अगर सही करने लायक है तो सही कर दो, और नहीं करने लायक है तो फिर एक्चुअली उसका भी टेंडर निकलता है गेट के लिए, और उसके बाद फिर अपना लगाया जाता है। तो मेंटेनेंस वगैरह के लिए आपको भेजा जाएगा, या कभी सेफ्टी के पर्पस से प्रोटेक्शन के लिए आपको भेजा जाएगा। तो कार्य काफ़ी कम रहते हैं, और आपके जो SSC वर्क्स होंगे उसी के अंडर आपको कार्य करना है, और एटलीस्ट ठीक ठाक स्टेशन आपका आपको मिलेगा, क्योंकि SSC वर्क्स का जो ऑफिस रहता है वो एक मीडियम जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर होता है। छोटे स्टेशन पे वर्क्स का जो है पोस्टिंग नहीं की जाती है। असिस्टेंट वर्क्स का हो या JEE का हो, सारे लोग जो है एक जो ठीक ठाक रेलवे स्टेशन होता है वहीं पर उनका ऑफिस होता है, वहीं पर पोस्टिंग होती है। अगर कोई काज रहता है तो उनको डे में जो है जाना पड़ता है, और नाइट वगैरह में इसकी ड्यूटी नहीं लगती है, आपकी डे में ही ड्यूटी लगेगी। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है असिस्टेंट वर्क्स का जॉब प्रोफाइल रेलवे में कैसा होता है, ये आपको डिटेल समझ में आया होगा। अगर ये आपको ये चैनल अगर अच्छा लगता है, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।